शॉर्ट क्लिप्स लाइफ चेंजिंग लेसंस। अभी सब्सक्राइब करें रीडर बुक्स क्लब क्लिप्स को। तो जैसे आपने अभी तक बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे यू कैन सेल, यू कैन अचीव मोर, एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट है। हालांकि आपकी सारी किताबें मुझे बहुत पसंद है। तो जब आप कोई भी किताब जब आप चुनते हो, जैसे मानते हैं चलिए यू कैन विन किताब है, जब आपने इस किताब को लिखा तो किस थॉट के साथ लिखा था? मतलब आप क्या लाइफ में उस फेज, किसी ऐसे फेज में थे जहां पर आपको, आप जवाब ढूंढ रहे थे और आपको जवाब मिले तो आपने सोचा कि मैं इसको उतारता हूं पेपर पे? मैं बहुत फेजों से गुजरा हुआ हूं। हम लोग की कोल माइंस थी, सरकार ने ले लिया, सड़क पे चले आए और यहां से जब कनाडा गए, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं तो गाड़ियां साफ करते रहे वहां पर, फिर लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया, दिस इज़ द टफेस्ट सेल, टफेस्ट थिंग टू सेल इन द वर्ल्ड इज़ लाइफ इंश्योरेंस। यू सी, आप 15 अपॉइंटमेंट करते हो तो एक पॉलिसी जाके कहीं बिकती है, 14 आदमी रिजेक्ट कर देता है, आपको नहीं लेना, रिजेक्शन इज वॉट इट इज़। तो तब सीखे हमने, वहां से सीखा यार रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ इट वर्क्स। जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी जाती उतरती है। तो वहां से एक के बाद एक के बाद एक, और अगर मैं हर चीज मैं कहूं कि मैंने अपने ही तजर्बे से सीखा है, आई वुड बी रॉन्ग, एंड आई एम ए सेल्फ मेड मैन, हर चीज मैंने खुद किया, खुद पढ़ा, खुदा यहाँ से किया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी इंसान कहीं पर पहुँचता है उसके पीछे बहुतों का हाथ होता है, माँ बाप का हाथ होता है, टीचर का हाथ होता है, कोई मेंटर का हाथ होता है, कोई मैनेजर का हाथ होता है, कोई लीडर का हाथ होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है साहब, जिसने एक आपको दिशा दिखाई। तो मुझे भी दिशा दिखाई किसी ने, और अगर वो दिशा ना दिखाते तो शायद आज भी मैं गाड़ियां ही साफ कर रहा होता। तो बात यह है कि मैंने किताब जो लिखी थी यू कैन विन, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, जिन्होंने किताब लिखी पावर पॉजिटिव थिंकिंग, उनके प्रोग्राम से मैं गुजर के दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन माय जिंदगी में, एक मोड़ आया मेरे जिंदगी में। तो मैंने कहा कि देखिए, किसी ने मुझे दिशा दिखाई है, मेरी जिंदगी में बदलाव आया, मैं एक एविड रीडर बन गया, रिसर्च करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि तब तक मैं जिंदगी में कभी किताब पढ़ा ही नहीं था मैंने। स्कूल में मैं भाग जाता था, वहां से दीवार फांद के पिक्चरें देखने चला जाता था। तो बात यह है कि मैंने जिंदगी में स्कूल में कॉमिक्स पढ़ता था, टार्जन की पुरानी, आर्ची फर्ची, वो सब यही पढ़ा, जिंदगी में किताब कभी पढ़ी नहीं। तो उसके बाद मेरी समझ में आई कि मैं किताब पढ़ना शुरू किया था, किताब पढ़नी शुरू की, एंड आई गॉट इनटू रिसर्च, एक के बाद एक के बाद एक, कम से कम मैं हफ्ते में एक किताब खत्म कर देता था। 30-40-50 किताबें साल में पढ़नी शुरू करी मैंने। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं उन लोगों से जाके मिलना शुरू किया जिन्होंने जिंदगी में सफलता हासिल की है, कैसे हासिल किया है, उन्होंने रास्ता दिखाया मुझे। तो मैं उनसे जाके सीखना शुरू किया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया मैंने, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देम। और फिर मेरे दिमाग में आई बात कि मेरी जिंदगी में बदलाव आया, पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से मैं चढ़ना शुरू किया जिंदगी में। तो मेरे दिमाग में आई बात कि भाई, किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, तो मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है आगे करने का। तो मैंने फिर अमेरिका में जेल में जाना शुरू किया साहब, वहां पे मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजंस इन द जेल्स, वहां जाके मैंने वॉलंटियर काम शुरू किया, एटीट्यूड सेल्फ एस्टीम प्रोग्राम्स सिखाने शुरू किए। हाई सिक्योरिटी प्रिजंस आर नॉट स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स, मर्डरस, रेपिस, बिग टाइम पीपल। अगर सबसे छोटा मैं वही था, भाई था वहां पर, बाकी तो सारे वहां पर 6-6 फुट 10-10 इंच के लोग खड़े थे वहां पर। तो मैंने सिखाना शुरू किया वहां पे, तो मैंने वहां पे देखी जिंदगी बदलनी शुरू हुई वहां पे, जब प्रोग्राम करने शुरू किए। तो मैंने कहा कि लेट मी नाउ टेक इट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फिर मैं जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे ले गया इसको।
दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग इट एंड और मैंने वहां पे एटीट्यूड के सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग शुरू की जेल के अंदर, जेल के बाद बाहर शुरू की वहां पे। तब तक किताब विताब मैंने नहीं लिखी थी। अच्छा, ओके। तकरीबन जितने भी आप देखते हैं स्पीकर्स वगैरह, इन्होंने किताब पहले लिखी उसके बाद ट्रेनिंग शुरू की। हाँ। मैंने ट्रेनिंग पहले शुरू की, किताब बाद में लिखी। okay. समझ में नहीं आई कि किताबें लिखनी चाहिए। तो उस तरीके से, और जब किताब लिखी मेरे पास, मैं तो कंप्यूटर मीटर मुझे आज भी नहीं आता, आज भी ईमेल मुझे करना नहीं आता सर, आज भी एसएमएस सीखता हूँ, कभी कभी कुछ आता नहीं है। तो जहाँ पर मैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में चला जाता था तो कोई नैपकिन मिल जाता था उसके ऊपर लिखना शुरू करता था, कोई कागज पॉकेट में होता था उस पर लिखना, और लिख लिखा के जो दिमाग में आता था उसके बाद ऑफिस में जाना, वहाँ एक बड़ा डब्बा रखा हुआ था, सब में जाके वो डाल देता था मैं सब। वो डब्बा भर गया साहब हमारा, तो डब्बा भर गया। तो मेरी सेक्रेटरी थी मेरे पास, बहुत साल 20 साल काम किया उसने, तो मैंने कहा अरलीन बैठो तुम, भाई मैं तो वो डिक्टेट कराता हूँ। तो एक से एक चीज़ को, अब कोई यहाँ की लिखी है, कोई वहाँ की लिखी है, कोई उधर की लिखी है, कोई रेस्टोरेंट में लिखी है, कोई पिकनिक में लिखी है, कोई फला, अब समझ में नहीं आया कि अब उसको एक से एक जोड़ना मुश्किल में सर, वो जोड़ते में हम पागल हो गए। कम से कम 4-5 साल उसी में निकल गए। अब जिस उसी जो समझदार अकलमंद आदमी है वो तरीके से करते हैं, हम तो तरीका नहीं ना है सब, अकलमंद कहाँ से सीखे हमारे, तो हमको अकल थी नहीं, जो समझ में आती थी डाल देते थे उठा के, तब फिर बैठे उनको जोड़ते जोड़ते ही पागल हो गए, 5 साल लग गए साहब हमारे। खैर वो हमने, किसी ने कहा है ना कि कुछ लोग आस्ते चलते हैं लेकिन पीछे नहीं चलते हैं, चलते आस्ते हैं लेकिन पीछे नहीं जाते हैं। तो मेरा वही हाल था, सब आस्ते ही चलते हैं सब, वही वाली बात है, लोगों को जल्दी से समझ आती है, हमको देर से समझ में आती है। तो करते कराते वो किताब विताब लिखी, फिर वहाँ पे मैंने लाइफ देखी बदली। देन आई स्टार्टेड गोइंग इनटू, फर्स्ट वाज द मेल सेल मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, फिर आई स्टार्टेड गोइंग इनटू द फीमेल सेल। फीमेल सेल में जब गया वहाँ पे अमित, मैं तो इट वाज सो डिप्रेसिंग, माँ भी वहाँ पे है, बच्चे भी वहाँ पे हैं, लड़की भी वहाँ पे है, और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, आपस में गाली दे रहे हैं, and they are all on drugs. I'm seeing mother and daughter fighting वहाँ पर बैठे। मैंने कहा ये क्या हाल है यार। Anyway, it was very depressing. फिर finally, then I also went to the juvenile cell. Male cell, female cell, juvenile cell. That was the worst one. Juvenile. बच्चे खड़े हैं 12-15-16 साल के बड़े हैं, ड्रग्स पे हैं, कोई बेच रहा है, कोई फलाना किया, सब वहां पर, मतलब जुवेनाइल सेल में। मेल फीमेल सेल तो मैं जब किया प्रोग्राम आई कुड हैंडल, इट वाज डिप्रेसिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जो जुवेनाइल सेल था सर, वो मैं खुद ही इतना डिप्रेस हो गया साहब। वो इस वजह से बताऊं आपको, एडल्ट्स थे जो मेल सेल्स में, एटलीस्ट जो बोल रहे थे, सुन तो रहे थे वो, ये तो सुनने को तैयार नहीं थे साहब। आप बात करो तो ऊपर देख रहा है, इधर बात करो तो पंखा देख रहा है, उधर देखो तो कंघी कर रहा है सेल्स घुमा घुमा के। मैंने कहा यार किससे बात कर रहे हो आप। दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट। उसके बाद मैं गाड़ी चला के घर आया, 2 घंटे मैं जाके सो गया, I could not keep myself awake. It was so depressing. But anyway, ये सब कुछ एक सीखने का तजर्बा होता है, जो कि आदमी जब तक खुद एहसास ना करे, महसूस ना करे, you cannot share with people. तो वो कहते हैं ना कि आपका क्या experience है, कैसा था प्रोग्राम साहब। जिंदगी में एक्सपीरियंस किसी को समझाया नहीं जाता, एक्सपीरियंस हमेशा महसूस किया जाता है। सी आई कैनॉट लेट यू एक्सपीरियंस द वे आई फील, यू हैव टू फील द वे आई फील, दैट्स द वे इट इज। सो एनीवे दैट इज व्हाट हाउ आई वेंट थ्रू द प्रोसेस। तो उसके बाद मैंने कहा कि भैया किसी ने कुछ मेरे को रास्ता दिखाया है, अब मेरा काम है उनको रास्ता दिखाना।
तो आई स्टार्टेड वर्किंग वॉलंटियरिंग देयर एंड आई सॉ लाइफ चेंज. देन आई टुक इट, फिर मैं इसको आई टुक इट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड गॉड वॉज काइंड. Lufthansa was one of my first clients. So it was a jackpot. But एक और बात बताऊं आपको, अब Lufthansa के डायरेक्टर से हम मिले, वो भी इट वॉज अ चांस मीटिंग. उसने बोला कहाँ पे क्या काम करते हो, हमने कार्ड दिखा दिया. तो कार्ड दिखा दिया तो उसमें लिखा हुआ था कि हम ट्रेनिंग करते हैं. तो अब सच अ सीनियर मैन कहता है हमारे लिए ट्रेनिंग करोगे क्या. मैंने कहा यार कमाल है, लॉटरी खुली सामने पड़ी हुई है, बोले नहीं मना कर देंगे क्या. तो मैंने उसको, मैंने बोला कि भैया ट्रेनिंग करने का कोई मकसद होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग. कहता है ट्रेन माय पीपल. मैं क्या, व्हाट इज द पर्पस. कहता है वी आर लूजिंग मनी, वी वांट टू इंक्रीज रेवेन्यू, पैसा. तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा भैया तुम्हारा रेवेन्यू आता कहां से है. कहता है ट्रैवल एजेंट से आता है. मैंने कहा यार डायरेक्टर आदमी हूं, पैसा ट्रैवल एजेंट से आ रहा है, प्रोग्राम आप अपने एम्प्लॉयज के लिए करना चाहते हो, इट डजंट मेक सेंस. मैंने कहा ट्रैवल एजेंट के लिए क्यों नहीं करते. भाई अगर उनके अंदर लॉयल्टी होगी, वफादारी आपके लिए, और उनका अगर बिजनेस बढ़ जाएगा तो कहां देंगे बिजनेस, आपको देंगे, क्योंकि लॉयल्टी इज द वर्ड, लॉयल्टी इज द वर्ड. कहता हाँ बात तो ठीक है यार, बात ठीक है. तो साहब हमने प्रोग्राम शुरू किए अटलांटा में, नाइजीरिया में, इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, एवरीवेयर वी स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम. 200 लोगों के बैचेस ऑफ 200 पीपल वन आफ्टर द अदर. तो और लेकिन सबसे बड़ी चीज थी, शुरू करने से पहले मेरे को कहता है कि भैया मैं आपका कार्ड तो है लेकिन मैं आपको कैसे प्रोग्राम करने दूं. मान लीजिए प्रोग्राम की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो Lufthansa की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि Lufthansa का बड़ा नाम है, आपका तो नाम ही नहीं है. भैया आपको कौन जानता है, कोई नहीं जानता, बेइज्जती तो Lufthansa की होगी. मैंने कहा ये तो ठीक है. तो मैंने कहा कि ऐसा करो, आप एक पायलट प्रोग्राम करो, कोई पैसे मत देना मेरे को, कोई पैसे मत देना, मैं प्रोग्राम करूंगा और अगर आपको पसंद नहीं आए काम, प्रोग्राम ठीक नहीं होगा तो किसी को बोलने की, किसी को मालूम ही नहीं होगा, तो ना आपकी बेइज्जती होगी ना मेरी होगी, चुप हो जाएंगे, पैसे मत देना मेरे को, बट एक पायलट कर लो आप. और उसके दिमाग में था कि भाई तुम्हारी फीस इतनी बनती है, 20,000-10,000 डॉलर जो भी बनती है, तो प्रोग्राम कर देंगे तो मेरे से क्लेम कर लोगे, लीगली क्लेम कर लोगे. मैंने कहा मैं लिख के दे देता हूँ, नहीं करूँगा, आई विल नॉट क्लेम. मैंने कहा अगर आपका प्रोग्राम ठीक नहीं होगा तो मेरा कम से कम 20,000-25,000 डॉलर का नुकसान हो जाएगा. कहते यार कंसल्टेंट का, अगर कंसल्टेंट को पैसे नहीं मिलते तो अपने पल्ले से थोड़ी देते हैं वो. मैंने कहा नहीं, मेरे पल्ले से पैसे 20-25,000 चला जाएगा. कहता वो कैसे. मैंने कहा अमेरिका से टिकट खर्चने का प्लस आपके 100 जो लोग प्रोग्राम करेंगे उनको वर्कबुक्स देंगे, वर्कबुक के साथ हमारी वी वर गिविंग देम कैसेट्स, दोस डेज पुराने में कैसेट्स भी देते थे हम लोग. तो मैंने कहा 100 डॉलर पर, $100 इज पर वर्कबुक. तो मैंने कहा 100 होंगे तो $10,000 ये भी चला जाएगा, होटल है, आना है, जाना है, तकरीबन 20-25,000 डॉलर मेरे पॉकेट से गया. तो आई विल लूज मनी. तो कहता अच्छा, तो कहता ठीक है, ठीक था, वील डू अ प्रोग्राम लाइक दिस एंड मैं किसी को भेज दूंगा अपने ऑफिस से आपका प्रोग्राम इवेल्यूएट करने के लिए कि भाई कैसा प्रोग्राम है. मैंने कहा ये काम नहीं करूंगा मैं, तेरे को खुद बैठना पड़ेगा. यू हैव टू सिट देयर इनसाइड द प्रोग्राम. इफ माय प्रोग्राम इज वर्ल्ड क्लास देन हाउ डू यू नो इट इज वर्ल्ड क्लास अनलेस यू नो व्हाट इज वर्ल्ड क्लास. इफ यू डोंट नो व्हाट इज वर्ल्ड क्लास हाउ डू यू नो माय प्रोग्राम इज वर्ल्ड क्लास. अरे कोई चमचे को भेज दोगे जिसको समझ नहीं है, वो जो मर्जी कह देगा हो जाएगा. आई सेड आई विल नॉट डू इट, यू हैव टू सिट. कहता ठीक है आई विल सिट. साहब वो प्रोग्राम बैठा पूरा दिन, 2 दिन का प्रोग्राम था. प्रोग्राम पहले दिन खत्म हुआ तो प्रोग्राम खत्म करने के बाद 5:30-6 बजे उसने पूरी प्रेस को बुलाया,
कहता वी हैव अ पार्टनर इन दिस गाय, वी हैव अ पार्टनर एंड वी साइंड अप एंड स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम्स फॉर देम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो एक दिन हम लोग बैठे थे शाम को, वी वर हैविंग टी कॉफी टुगेदर. तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा माइक टेल मी व्हाई डिड आई गिव दैट कमिटमेंट दैट इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू सी आई विल लूज मनी $20,000-$30,000. व्हाई डू यू थिंक आई मेड दैट कमिटमेंट? सो ही सेज इट शोज दैट यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. मैंने कहा फिर गलत. I said, can you imagine how much confidence I put in your integrity that if you got value, you will honor your commitment. मैंने कहा खोपड़ी में समझने में फर्क होता है यार. Look at the confidence I am putting in your integrity that if you got value, you will honor your commitment. कहता हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं. मैंने कहा आप सोच. उसके बाद हमने प्रोग्राम चालू किया. दे दना दन वन आफ्टर द अदर. तो उसके बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है प्रोग्राम के बिकॉज. तो मैंने कहा यार एक खाली सीट है मुझे बिठा देना. मैं ट्रेवल करता हूँ मुझे पैसे देने पड़ते हैं ना. यू वांट वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, तेरी सीटें खाली जाती है मुझे बिठा देना. तेरे को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिल गई और मैं जो पैसे खर्चता हूँ मेरे पैसे बच गए. बराबर हो गए कि नहीं हो गया? कहता हाँ ठीक. वी स्टार्टेड. दैट्स हाउ इट इज. ग्रेट. नाइस. सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड मूविंग.